नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद। पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री का एक बयान आया, हमारे पास इंजेक्शन कम है, हम एक घंटे में एक इंजेक्शन लगाएंगे, वैक्सीनेशन सेंटर हम थोड़े थोड़े इंजेक्शन लगाकर चालू होंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा हमें मरीजों को बचाना है, ज्यादा से ज्यादा हमें वैक्सीनेशन कराना, हम एक दिन में 2 लाख वैक्सीनेशन कराएंगे। ये तो हुई बात दिल्ली और हरियाणा। इसी बात को सोच समझने के लिए हम लोग रीवा के सीएमएचओ दफ्तर में मौजूद हैं। हमारे साथ सीएमएचओ एमएल गुप्ता जी मौजूद हैं। वैक्सीनेशन के क्या है हालात, हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके से अभी आज की तारीख में कितने वैक्सीनेशन हुए और इसमें रीवा शहर की क्या स्थिति है। सर, क्या स्थिति है रीवा की अभी? नहीं, हमारे यहाँ ना तो वैक्सीन की कमी है और वैक्सीनेशन हमारे यहाँ अच्छा चल रहा है। करीब 40,000 से ऊपर हम लोगों ने 18+ को लगा दिया है, 3 लाख के ऊपर हम लोगों ने 45+ वालों को वैक्सीनेशन कर दिया है। आज के दिन भी हमारे पास वैक्सीन सफिशियंट मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा आज भी हमको JD ऑफिस से वैक्सीन मिलने का, तो वैक्सीन की कोई भी कमी हमारे यहाँ नहीं है। एक बड़ा सवाल ये भी है, पिछले दिनों जिस तरीके से कोरोना की महामारी फैली हुई थी, आप लोगों ने, आपके पूरे स्टाफ ने कोरोना को रोका, अब जब शहर सामान्य हालात में आ गया है तो आगे किस तरीके से कोरोना के लिए क्या है कार्य योजना? आज से लॉकडाउन खुला है, अभी हम लोग 50% दुकान पर अलाउ किए हैं, 50% एक दिन, 50% एक दिन। अभी मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, हाथ सैनिटाइज करते रहें और अनावश्यक बाहर न निकलें। इतने दिन लॉकडाउन के बाद भीड़ करके बाहर ना निकले, कोई ज़रूरत है तो बाहर निकले, परंतु ज़रूरत ना हो तो सिर्फ तफरी करने के लिए कोई बाहर ना। वैक्सीनेशन के पर्याप्त इंतजाम है, हम 18 से ऊपर वालों का, या यूं कहें 18 से उम्र ज़्यादा उम्र का कोई भी आदमी आ रहा, हम उसको तुरंत वैक्सीनेशन करा रहे हैं और हमने काफ़ी तादाद में वैक्सीनेशन करा दिया है। हम इसको इसी तरीके से आगे भी प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, पूरा रीवा जिला वैक्सीनेशनाइज हो जाए, उससे कोरोना का खतरा पूरी तरीके से बचाया जा सकता है। वैक्सीन की हमारे पास प्रॉपर पूरी व्यवस्था है, जरूरत पड़ने पर हमें राज्य शासन ने यह भी कहा वैक्सीन आपको मिल जाएगी। यह कुछ कहना था रीवा सीएमएचओ एमएल गुप्ता। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।